दोस्तों नमस्कार, आर्थिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ ग्राम पूरनपुर नवादा विकासखंड खेगड़ा डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट भागपत में। तो दोस्तों हम आए हैं इस ग्राम में, अभी यहाँ पर इलेक्शन हुए है प्रधान पद के, और यहाँ पर जो प्रधानपति से हम बात करेंगे, चूंकि पत्नी जी यहाँ पर नहीं है, जो प्रधान बनी है। सर मैडम का नाम क्या है जो बनी यहाँ पर? श्रीमती पिंकी सिंह नवादा से प्रधान चुनी गई है। इस समय अवेलेबल है प्रधानपति सोनू प्रजापति जी। तो सोनू प्रजापति जी से हम बात करेंगे कि गांव की जनता का इतना प्यार उन्हें कैसे मिल गया, उनमें ऐसी क्या खूबी, सर आप में क्या खूबी है, आपको क्यों चुनी जा रही है। पहले तो सर आर्थिक न्यूज की तरफ से आपका स्वागत है और हम बधाई देते हैं आपके जीतने पर। बहुत बहुत बधाई जी। सर आपको क्यों चुना जनता ने? जनता ने देखिए अपना जो पहले का हिसाब किताब, पहले की जो बात, हम पिछली बार चुनाव लड़े थे जी, और पिछली बार जब चुनाव लड़े उसमें हम हार गए थे जी। हारने के बाद हम कंटिन्यू जनता की बीच सेवा करते रहे, जनता के बीच में रहे और सेवा करते रहे। जनता ने, गांव ने जब भी हमको बुलाया, चाहे रात हो चाहे दिन, हम गांव की सेवा में उपस्थित। इसका मतलब मैं समझूं कि सेवा का मेवा मिल गया। बिल्कुल जी, सेवा की मेवा मिली जी जी। गांव का बहुत बहुत एहसान है जी कि हम यहां तक पहुंचे। अच्छा सोनू जी, एक चुपता सा सवाल है, इस बार भी नहीं जीतते तो क्या आप जनता के साथ ऐसे रहते, विकास के काम करते रहते? जी ये तो कंटिन्यू है। देखिए कितनी अच्छी बात है ग्राम वासियों, सोनू जी का कहना जीतते नहीं जीतते वो अलग बात है, मेरा काम है गांव का विकास करना और गांव वालों की सेवा करना, जीतना नहीं जीतना एक अलग बात है, मेरा काम है काम करना, काम करते चले जाना, बहुत अच्छी बात है सर। तो आपने मैडम को आगे ला, सबसे पहले तो उस बात के लिए भी बधाई, नारी शक्ति को आप आगे ला रहे हैं, ठीक है। नारी बढ़ेगी, नारी पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा सर, ये बहुत अच्छी बात है। आपने सर विकास के क्या क्या कार्य गांव में अब तक किए हैं बगैर प्रधान बने, थोड़ा सा विकास के कार्य? देखिए हमारे यहाँ से रास्ता जाता है जी दिल्ली के लिए जी, वहाँ पे पानी इतना भरा हुआ था जी कि वहाँ को निकलने की बड़ी परेशानी थी। हमने क्या करा, उस रास्ते में मिट्टी डलवाई जी। मिट्टी डलवाने के बाद में उस पर फिर मिट्टी की राफिस होती, ऊपर से वो डलवाई अपने पैसे जी। जी अपने पैसे जी, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद अपने यहीं पे गांव में जैसे मोड़ मुड़ते हैं वहाँ पे वो पुलिया टूटी हुई थी, जो भी बाहर से व्यक्ति आता था उसमें गिर जाता था। कभी बाइक का पहिया गिर गया, कभी गाड़ी का पहिया गिर गया, गिरने के बाद चोट भी लगती थी। यानी सोनू प्रजापति में इंसानियत फूट फूट कर भरी है, कहने का मीन सी है। बिल्कुल ये आप कह सकते हैं जी। सर अब जो आपने काम कराए वो गाँव के लोगों को पता होंगे, ठीक है सर। अब जो आप पहले 6 महीने में विकास के कार्य शुरू करने जा रहे हैं, पहला बड़ा काम क्या है जो आप गांव के विकास के लिए करेंगे? देखिए पहला काम तो मैंने पहला तो कर ही दिया स्टार्ट। क्या है वो? सबसे पहले तो जैसे ही हम जीत के आए जी, आते ही हमने गांव में सफाई जी, पूरे गांव की सफाई, आप आए भी हो आपने देखा भी होगा जी, पूरे गांव की सफाई, सैनिटाइजर अपने पैसे जी, अपने पैसे दोस्तों, अपने पैसे से इन्होंने गांव की सफाई भी करा दी है, सैनिटाइजेशन भी करा दिया है, अभी ऊपर से कोई ऐड नहीं मिला इनको जी। अभी तक हमने शपथ नहीं ली, शपथ भी नहीं, उसके बावजूद हमने 3 बार सैनिटाइज करा दिया। बहुत अच्छा। मच्छरों के लिए दवाई लगवा दी और एक बार और सोच रहे हैं कि एक बार और करा देगा जी। वैसे सर ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ सबसे बाद में पूछूं, लेकिन पहले ही पूछ लेता हूँ, COVID-19 जैसे चल रहा है अभी थोड़ा असर कम हो गया है, इसमें बहुत बेरोजगारी हो गई है, कुछ लोगों को खाने तक को भी पैसे नहीं है, बेरोजगार हो गए हो, दवाइयों के पैसे नहीं है, क्या COVID-19 से परेशान है? जी। कोई आपके पास आए आपसे खाना मांगे, आपसे मदद मांगे, आपसे दवाई मांगे, ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत हो आपसे मांगे, क्या आप गांव की जनता के साथ खड़े, एक संदेश गांव वालों के लिए? देखिए इस स्तर पर भी हमने काम किया है, हमारे गाँव में प्रॉब्लम आई है, सिलेंडर की व्यवस्था भी कराई है, और जो खाने के लिए जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है उसके लिए खाना भी पहुंचा रहा है। आगे कोई आता है, कोई गांव में आता है तो वो आपके द्वार खुले हैं उसके लिए, ये बोल दीजिए एक बार जी। हमारे द्वार 24 आवर्स खुले हैं अपने गांव के लिए। गांव के लिए क्या, अगर बाहर से भी कोई आता हमारे पास
अपनी समस्या लेकर, तो उसके लिए हम तैयार हैं जी। देखिए कितनी अच्छी बात है सोनू जी की, कि अगर कोई COVID-19 से परेशान, भूखा, बीमार या वो बेरोजगार हो चुका है, उसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो सोनू जी उस हेल्प के लिए रेडी है। प्रधान से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक व्यक्ति के तौर पर उसके साथ खड़े हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर शिक्षा का क्या स्तर है गांव में, शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा का स्तर थोड़ा वीक है। वीक है। एक गवर्नमेंट स्कूल कितने हैं यहाँ पर? गवर्नमेंट स्कूल एक है। कौन सी क्लास तक है वो? 8वीं क्लास तक। 8वीं तक है। आपकी कोशिश होगी सर 10वीं या 12वीं तक आपके कार्यकाल में हो सकते हैं? पूरा प्रयास रहेगा जिससे 8वीं से 10वीं या 12वीं तक। अभी बच्चे पढ़ते हैं उसमें? बच्चे पढ़ते भी हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं जी, हमारे जो अब जो प्रधान है जी, हमारी मैडम जो है जी, उनके पास में 40-50 बच्चे जिनको ट्यूशन देती है जी। इसीलिए एक बात है कि शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है जी, और वो उनको क्लास देती है। बहुत बढ़िया बात है सर। मैंने ये देखा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है, टीचर आते नहीं है, क्या आपके शासनकाल में टीचर प्रॉपर आएंगे, प्रॉपर पढ़ाई होगी? टीचर भी पढ़ाई करेंगे और टीचर के साथ साथ हमारी मैडम भी पढ़ाई करवाएंगी वहाँ पे। तो ग्राम नवादा के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए मैसेज है, अब आपको पर्टिकुलर आना पड़ेगा जब भी ये COVID-19 का सर कम हो जाएगा, और आपको पढ़ाना भी पड़ेगा जी। आप सोच लीजिए, मैं सही कह रहा हूँ सर? जी जी जी। सर बहुत अच्छी बात है। चिकित्सा को लेकर सर कुछ सामुदायिक केंद्र वगैरह कुछ है उसके लिए गांव वालों के लिए क्या सुविधा है, या किसी और गांव में जाना पड़ता है? अभी फिलहाल तो देखिए किसी और ही गांव में जाना पड़ता है, हमारी चिकित्सा जो है वो गढ़ी में, बाकी प्रयास हम करेंगे अपने गांव में। छोटा मोटा सामुदायिक उपकेंद्र भी बन जाए, बिल्कुल है ना, उसके लिए आप पूरी पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे हम कि अपने गांव में जी। बहुत आपके गांव में एक सामुदायिक केंद्र भी नहीं बनता तो उसका उपकेंद्र बन सकता है, ताकि छोटी मोटी बीमारी के लिए आपको बाहर ना जाना पड़े, ये सोनू जी का कहना है। सर गांव का जो गरीब तबका होता है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत मकान दिए जाते हैं, अभी कितने लोगों के पास मकान है या कितने लोग बेघर है, उसका कोई बायोडाटा है, या अभी इसकी स्कीम अगर आएगी उस पर आप काम करोगे? देखिए फिलहाल तो स्कीम नहीं आई, जैसे स्कीम आएगी वैसे उस पर करेंगे। घरों में छतें नहीं है बहुत सारे? हाँ, जिन घरों में छतें नहीं है उनको स्कीम का हम पूरा लाभ, मतलब ये कि हर घर पर छत होगी, एक आसान होगा सबके पास, पक्का है ना ये 5 साल में? चलिए बहुत ही बात है। गांव में कुछ छोटा मोटा खेल का मैदान है क्या? खेल का मैदान ये हर गांव की, हर गांव के नवयुवकों की डिमांड है। खेल का मैदान प्रस्तावित नहीं। अच्छा, उसको भी हम कराएंगे, कोशिश करेंगे। बिल्कुल। LMC की जमीन है जी? LMC की जमीन है जी। तालाब कितने हैं? तालाब नहीं है, कोई तालाब नहीं है जी। क्या प्रधान आगे क्या पहले वाले? तालाब तो सब गांव में होते हैं ना? तालाब होते हैं, मगर पता नहीं वो तो पहले वालों को पता होगा। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा गांव में प्रधान सबसे पहले ना तालाबों को ही खा जाते हैं। देखिए सर, मेरा तो प्रयास तो यही रहेगा, पहले वालों ने क्या किया है मुझे नहीं पता, बाकी मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम अगर तालाब का निर्माण करें जी। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन जी। नवीन जी, आप सोनू प्रजापति की बातों से कितने सहमत हैं? मैं अपना, मेरे छोटे भाई है सोनू प्रजापति, वर्तमान में गांव ने उन्हें सम्मान, थोड़ी सी सर आवाज, वर्तमान में गांव ने जो इन्हें सम्मान दिया है, मेरे को इनसे पूरी आशा है कि ये उस सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे और गांव के प्रति हर वक्त उनके लिए तैयार रहेंगे। आपको उम्मीद है कि जो इन्होंने बोला है विकास के कार्य, ये उन्हें पूरा करेंगे जी? मेरे को जी सर, मैं अभी आपके पास आता हूँ। सर पहले तो आपका नाम बताइए। सचिन दीक्षित। सचिन दीक्षित जी, अभी हमारी प्रधान जी से बात, प्रधानपति जी से बात चली थी, आप कितने सहमत हैं इनकी बातों से और आपको क्या अपेक्षा है इनसे? 100% सहमत हूँ और ये बंदा वर्क करेगा, ऐसा नहीं, काम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पक्का काम करेंगे, आप कराएंगे नहीं करेंगे तो? हाँ जी जी, बहुत अच्छी बात है। सर आपने हमारी सभी बातों के जवाब दिए जी, अभी आप सभी बातों पर सहमति जता रहे कि मैं ये करूंगा, क्या हम 6 महीने बाद आकर देख सकते हैं कि विकास के कार्यों को कितनी गति मिली है, किसका आरंभ हुआ है और किसका समापन भी हो चुका है, पूरा भी कर दिया आपने? आप बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हैं, हम देख सकते हैं आकर? बिल्कुल आ सकते हैं और देखिए जी, जो हम कह रहे हैं वो करेंगे जी। सर बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट सवाल है,
विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, इसमें बहुत घोटाला होता है, आपके वक्त में ऐसा होगा? एक्चुअली में क्या है, देखिए मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ जी। मेरी दिलसाद गार्डन से होता है काले से सिर्फ जी। मैं चुनाव गांव के विकास और जो आप जो आपने क्वेश्चन किए इसी संबंधित को लेकर चुनाव लड़ा हूँ जी। मोदी जी का कहना है स्मार्ट सिटी, मेरा प्रयास रहेगा अपने स्मार्ट विलेज जी, स्मार्ट विलेज में संभव प्रयास करो स्मार्ट विलेज में। यानी वृद्ध जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, जितने वृद्ध और विधवा यहाँ पर है उनकी आप सूची निकालेंगे, जो पात्र है उन्हें पैसा मिलेगा जी। जो विधवा है वो, जो 60 प्लस है वो, जो जिसके पात्र होगा वो उसको वो संभव प्रयास। आप एक बार जरा बोल दीजिए वो आपके साथ में मिलेंगे। हाँ जी, आप गाँव वालों को बोल दीजिए जो विधवाएं हैं उनके लिए भी और जो 60 प्लस व्यक्ति हैं जिन पेंशन योग्य हैं उनके लिए भी संभव प्रयास करेंगे। जो विधवाएं है या जो वृद्ध है ग्राम नवादा के, वो आकर हमारे सर सोनू जी से, सोनू प्रजापति जो प्रधानपति है वो आकर मिल लीजिए। ये अगर आप पात्र है इसके तो वो पेंशन आप तक हर हाल में आएगी, ऐसा एकदम आएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी बातों के बहुत अच्छे से जवाब दिए और सुनकर खुशी हुई। अगर ये काम ऐसे ही चालू रहे तो अगली बार आप ऐसे ही प्रधानमंत्री। देखिए अगली बार का तो मैं नहीं कहता क्या होगा, बाकी मेरा काम ऐसे ही चालू रहेगा और इसी तरह से। चलिए सर, छोटे गांव के बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है सर। और हम 6 महीने बाद फिर आपसे आकर मिलेंगे तो सर, तब तक के लिए शुक्रिया और फिर से एक बार बधाई की आपका प्रधानमंत्री। आपको बहुत बहुत। मैं नवादा से डॉक्टर राजिंद से मुलाकात की थी, हो सकता है 6 महीने बाद हम आकर इनसे फिर मिले, और तब तक के लिए मैं आपसे चाहूंगा।